नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं असम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में हम अहोम किंगडम से रिलेटेड काफी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, असम हिस्ट्री का ये सीरीज आपके आने वाले असम गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। आसाम जीके से रिलेटेड मेरे दूसरे वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जो कि आसाम गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही रेगुलर करेंट अफेयर्स, जीके और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो असम जीके से रिलेटेड है और मैक्सिमम असम के ही लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को एसएमएस में आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच अहोम किंग इज नोन एज बामोनी कुंवर। कौन जन अहोम राजा बामोनी कुंवर नामेरो जाना जाए। ऑप्शन ए सुसेउफा, ऑप्शन बी सुबिनफा, ऑप्शन सी सुदांगफा, ऑप्शन डी सुजानफा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सुदांगफा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच अहोम किंग एज्यूम द हिंदू नेम स्वर्गनारायण। कौनजन अहोम राजाए स्वर्गनारायण नाम ग्रहण करिसिल। ऑप्शन ए सुपिमफा, ऑप्शन बी सुदांगफा, ऑप्शन सी सुहोंगमुंग, ऑप्शन डी सुबिनफा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुहोंगमुंग। क्वेश्चन नंबर 3, सुहोंगमुंग इज पॉपुलरली नोन एज। सुहोंगमुंग की नामेरे विख्यात आसिल। ऑप्शन ए दिहिंगिया राजा, ऑप्शन बी गरगरिया राजा, ऑप्शन सी खोड़ा राजा, ऑप्शन डी लोड़ा राजा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए दिहिंगिया राजा। क्वेश्चन नंबर 4, हु क्रिएटेड द क्लास ऑफ मिनिस्टर नोन एज बरपात्र गोहाई। कौनजन अहोम राजाए बरपात्र गोहाई पदवीर सृष्टि करिसिल। ऑप्शन ए सुक्रांगफा, ऑप्शन बी सुखांगफा, ऑप्शन सी सुहोंगमुंग, ऑप्शन डी सुत्तुफा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सुहोंगमुंग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड अहोम किंग स्वर्गनारायण डाइड। अहोम राजा स्वर्गनारायणर मृत्यु হৈছিল। ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1540, ऑप्शन सी 1540, ऑप्शन डी 1543। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1539। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अहोम किंग शिफ्टेड द कैपिटल टू गड़गांव। कौनजन अहोम राजाए गड़गांव लो राजधानी स्थानांतरित करिसिल। ऑप्शन ए सुदांगफा, ऑप्शन बी सुपिमफा, ऑप्शन सी सुसेनफा, ऑप्शन डी सुक्लेनमुंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुक्लेनमुंग। क्वेश्चन नंबर 7, सुखांगफा इज ऑल्सो नोन एज। सुखांगफा आन की नामेरे जनाजात आसिल। ऑप्शन ए दिहिंगिया राजा, ऑप्शन बी बूढ़ा राजा, ऑप्शन सी खुड़ा राजा, ऑप्शन डी नोरिया राजा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी खुड़ा राजा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच अहोम किंग टुक द नेम ऑफ प्रताप सिंहा। कौनजन अहोम राजाए प्रताप सिंह नाम ग्रहण करिसिल। ऑप्शन ए सुदांगफा, ऑप्शन बी सुजानफा, ऑप्शन सी सुफाफा, ऑप्शन डी सुसेंगफा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुसेंगफा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अहोम किंग क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ बरफुकन एंड बरबरुआ। कौनजन अहोम राजाए बरफुकन और बरबरुआ पदवीर सृष्टि करिसिल। ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी जयध्वज सिंह, ऑप्शन सी चक्रधर सिंह, ऑप्शन डी उदयादित्य सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच अहोम किंग इंट्रोड्यूस द पाइक सिस्टम। कौनजन अहोम राजाए पाइक व्यवस्थार प्रचलन करिसिल। ऑप्शन ए जयध्वज सिंह, ऑप्शन बी प्रताप सिंह, ऑप्शन सी रामध्वज सिंह, ऑप्शन डी गदाधर सिंह। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, अहोम किंग सुतियानफा इज ऑल्सो नोन एज। अहोम राजा सुतियानफा की नामेरे जना गैछिल। ऑप्शन ए भगा राजा, ऑप्शन बी बूढ़ा राजा, ऑप्शन सी नोरिया राजा, ऑप्शन डी लोड़ा राजा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नोरिया राजा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द टाई अहोम नेम ऑफ जयध्वज सिंह। जयध्वज सिंहर अहोम नाम कि आसिल। ऑप्शन ए सुरामफा, ऑप्शन बी सुपुंगमुंग, ऑप्शन सी सुहोंगमुंग, ऑप्शन डी सुतमाला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सुतमाला। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच मुगल किंग ऑर्डर्ड हिज कमांडर इन चीफ टू अटैक असम इन 1662। 1662 सनत कौनजन मुगल राजाए तेर सेनापतिक असम आक्रमण करिबोले आदेश दिसिल। ऑप्शन ए हुमायून, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड द बैटल ऑफ सरायघाट टुक प्लेस। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কোন চনত হৈছিল? অপশ্যন এ 1661, অপশ্যন বি 1671, অপশ্যন চি 1681, অপশ্যন ডি 1691। তো ইয়াৰ পৰা কৰেক্ট অপশ্যন হে 1671, 1671 চনত। কোৱেশ্যন নম্বৰ 15, হু
Who was the Ahom king during the Battle of Saraighat? Saraighatৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল? অপচন এ প্ৰতাপ সিংহ, অপচন বি জয়ধ্বজ সিংহ, অপচন সি চক্ৰধ্বজ সিংহ, অপচন ডি উদয়াদিত্য সিংহ। তো ইয়াতে কৰেক্ট অপচন হে অপচন ডি উদয়াদিত্য সিংহ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 16, Who was the Mughal commander during the Battle of Saraighat? Saraighatৰ যুদ্ধৰ সময়ত মোগল সেনাপতি কোন আছিল? অপচন এ মীৰ জুমলা, অপচন বি ৰাম সিংহ, অপচন সি তুৰ্বক, অপচন ডি মীৰ কাছিম। তো ইয়াতে কৰেক্ট অপচন হে অপচন বি ৰাম সিংহ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 17, Who assisted লাচিত বৰফুকন during the Battle of Saraighat? সৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত লাচিত বৰফুকনক কোনে সহযোগ কৰিছিল? অপচন এ চৰিয়া বুঢ়াগোহাঁই, অপচন বি চেংমুং বুঢ়াগোহাঁই, অপচন চি আতন বুঢ়াগোহাঁই, অপচন ডি দোমাই বুঢ়াগোহাঁই। তো ইয়াতে কৰেক্ট এনচাৰ হে অপচন চি আতন বুঢ়াগোহাঁই। কোৱেশ্চন নম্বৰ 18, আহোম কিং চুলিকফা ৱাজ অলছ' ন'ন এজ, আহোম ৰজা চুলিকফাক অন্য কি নামেৰে জনা গৈছিল? অপচন এ নৰিয়া ৰজা, অপচন বি দিহিঙীয়া ৰজা, অপচন চি বুঢ়া ৰজা, অপচন ডি ল'ৰা ৰজা। তো ইয়াতে কৰেক্ট অপচন হে অপচন ডি ল'ৰা ৰজা। কোৱেশ্চন নম্বৰ 19, হুইচ ক্লেন ডিড গদাপানী বিলং টু? গদাপানী কোন ফৈদৰ আছিল? অপচন এ তুংখুঙীয়া, অপচন বি চাৰিঙ্গীয়া, অপচন চি টিপামিয়া, অপচন ডি নামৰূপীয়া। তো ইয়াতে কৰেক্ট অপচন হে অপচন এ তুংখুঙীয়া। কোৱেশ্চন নম্বৰ 20, হু কিল লালুকখোলা বৰফুকন? লালুকখোলা বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল? অপচন এ ৰুদ্ৰসিংহ, অপচন বি প্ৰতাপ সিংহ, অপচন চি গদাধৰ সিংহ, অপচন ডি পুৰন্দৰ সিংহ। তো ইয়াতে কৰেক্ট অপচন হে অপচন চি গদাধৰ সিংহ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अहोम किंगडम से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विथ लर्निंग सिविल। थैंक यू दोस्तों।